जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मित्रों, क्या आपके जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, धन दौलत पैसे कौड़ी की समस्याएं चल रही है, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें कोई ना कोई बाधा ही जाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको वह उपाय बताते हैं जिससे आपकी सभी प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मित्रों, जैसा कि मैं पहले ही आप सभी से यह बात कह दे रहा हूँ कि हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब कुछ विधाता के ही हाथ होता है, इसे पूर्णतया नहीं बदला जा सकता है। लेकिन हाँ, विधाता का ही यह भी कहना है कि मनुष्य अपने कर्मों के बल से अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा काम या उपाय है जिसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। मित्रों, किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन आपको 18 कमल गट्टे लेना है। कमल गट्टे आसानी से किसी भी दुकान पर मिल ही जाता है। इन कमल गट्टों को अच्छी तरह धो लेना है। अब आपको स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा के पास इन 18 कमल गट्टों को एक लाइन में रख देना है, जैसे बच्चे कंचों को लाइन में रखते हैं। अब आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के पश्चात इन 18 कमल गट्टों पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि लगाकर माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का ध्यान करें। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कमल गट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो यहाँ पर ये कमल गट्टे माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के समान ही है, जिन्हें वर्ग देव कहा गया है। इनके नाम आपको नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, हालांकि हम यहाँ पर इनके नाम लिख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ओम वर्गाय या फिर ओम वर्ग देवाय नमः का ही जाप करें। मित्रों, शास्त्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि माता लक्ष्मी जी के पूजा से भी ज्यादा माता लक्ष्मी अपने इन 18 पुत्रों की पूजा करने से प्रसन्न होती है और आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देती है। मित्रों, पूजा करने के कुछ घंटे के बाद इन 18 कमल गट्टों को किसी भी लाल कपड़े या चुनरी में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे, या फिर आप इसे जहां भी आपका धन पैसा या अनाज रखे हैं उस स्थान पर रख देवे। मित्रों, इस उपाय को किसी भी सोमवार शुक्रवार के दिन ही करें। दोस्तों, ये प्रक्रिया करने के एक हफ्ते बाद ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत बदलाव हो गया है, आपके सारे काम बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपके घर में अब माता लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान हो गई है। मित्रों, इसके अलावा एक और काम जरूर से कर ले जो आपको हर एक दिन करना ही चाहिए। घर में सुबह शाम प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी जी को कपूर अक्षत युक्त दीपक जरूर दिखाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, घर की मनहूसियत मिटती है, लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।